हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। देखेंगे हम आपके लिए यहाँ पर आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, ओके। और सभी जोडियक साइन के लिए हैं, सभी एज ग्रुप के लिए हैं और सभी जेंडर के लिए हैं। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, ओके। जब तक हम कार्ड शफल कर रहे हैं, आपको एकदम पॉजिटिव होना है। जिस पर्सन की आप ट्रू फीलिंग्स जानना चाहते हो उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ओके। ओके, कितना भी गुस्सा कर दिखा लो, आप करते तो प्यार आप हो इस पर्सन से जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। हाँ, ओके, सोलमेट, क्या बात है। अब इस पर्सन को लेके जो भी नाराज़गी है ना आपके दिल में, वो हटा दो। होना कुछ है नहीं, री यूनियन होगा आप लोग का, गुस्से से कुछ नहीं होने वाला। कितना में गुस्सा दिखा लो, ओके। ओके, इस पर्सन के ट्रू फीलिंग्स आपके लिए हैं। नाम चेंज कर सकते हैं आप 3 बार इस पर्सन का, जिसके लिए आपकी रीडिंग देख सकते हैं। 3 बार मैंने कहा, 3 ही कार्ड्स आए हैं अभी आपके लिए। ओके ओके, वाओ, मैनिफेस्टेशन। दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हो आप। दोनों की फीलिंग्स ऑलमोस्ट सेम हैं आप, ठीक है। जो एनर्जीज आपके पार्टनर की है वही आपकी हो सकती हैं, क्योंकि आप दोनों सोलमेट एनर्जी में हो। तो सोलमेट का मतलब आपको पता ही है कि आपको किस तरह से अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करना है, नेगेटिव थॉट्स को। चलिए हम एक एक कार्ड आपके लिए रीड करते हैं। सबसे पहला कार्ड है लव, बहुत खूबसूरत कार्ड है। आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आपको बताए ना बताए, या आप दोनों के बीच में कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी नेगेटिविटी चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी है आप दोनों के, लेकिन ये पर्सन आपको प्यार बहुत ज़्यादा करता है। भले जिसने आपको डांट दिया हो, रूड हो गए हो या हो गई हो, ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आएगा आपके पास रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। आप दोनों के बीच की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी झगड़े हैं, वो सब हील हो जाएंगे। हो सकता है आप दोनों में से किसी एक ने अपना रिलेशनशिप हील करवाया हो, कोई हीलर हो सकता है, या हीलिंग एनर्जीज पर बिलीव है। आपको स्टोन्स मतलब कलेक्ट करना बहुत पसंद है। आपके पास हो सकता है कैंडल्स हो, आप हीलर भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर हीलर हो सकता है। आप हीलिंग लेने की सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, ओके। यहाँ पर आप दोनों के बीच की दूरियाँ, नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग सब कुछ दूर होकर आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी सब है। क्योंकि ये पर्सन अब आपके साथ प्यार दिखाना चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, मतलब सारी प्रॉब्लम ठीक करना चाहता है ये पर्सन अब आपके साथ। इसलिए मैंने कहा कि अब आपकी एनर्जीज को आपको थोड़ा कंट्रोल, मैच्योरिटी दिखाना चाहता है ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लगता है हीलिंग हो रही है आप लोग के रिलेशनशिप की। अब आप लोग नहीं करवा रहे हो तो करवाओ, ठीक है, या फिर खुद से करो। मैनिफेस्टेशन यहाँ पे आया है, बॉटम की एनर्जी में मैनिफेस्टेशन था, ठीक है। यहाँ पर मैनिफेस्ट करना है आपको अपनी विश को, लिखना है, लिखिएगा। 11-11 टेक्निक कर सकते हो, 222 टेक्निक कर सकते हो, 555 कर सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन कोई टेक्निक आपको करनी है इस रिलेशनशिप की। थोड़ी मेहनत और कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी बहुत अच्छी हैं, वो भी इन सब चीज़ों में थोड़ा नॉलेज ले रहे हैं, उनको इंटरेस्ट आ रहा होगा इन सब चीज़ों में, एनर्जीज में बिलीव कर रहे होंगे, फायदेस दिखाई दे रहे होंगे आपको और आपके पार्टनर को भी इन दिनों में, क्योंकि ये समय आप दोनों के रीयूनियन का है। रिलेशनशिप एक स्टेप आगे जाएगा। यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों की एनर्जी एक दूसरे को मिरर कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन आया। ओह माय गॉड गाइस, मैनिफेस्टेशन के साथ बॉटम में क्या है, कमिटमेंट। डेफिनेटली यहाँ पे आपकी एनर्जी कमिटमेंट वाली, क्योंकि आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं। सेम एनर्जी सब आपके पार्टनर की, वो भी आपसे अब कमिटमेंट चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, सोलमेट एनर्जी है आप दोनों की। ये बॉटम का कार्ड है तो मैं इसको साइड रख दूंगी। आपके पार्टनर जानते हैं आपसे बेस्ट, आपसे अच्छा पर्सन, उनके लिए लाइफ पार्टनर के तौर पे कोई नहीं है। आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के, हो सकता है थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, थोड़ा नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस तो दूरियाँ ही होंगी ना,
बट लेकिन अगर एक सिटिंग में भी तो हो सकता है कुछ दिन हो गए हो, मिले ना हो, बातचीत नहीं हो, लेकिन अब सब चीज़ें बैलेंस में आएंगी, बैलेंस आने वाला है आप दोनों का। मैसेज रिसीव कर सकते हो आप अपने पार्टनर का, या ऐसा हो सकता है कि वो आपका कोई वीडियो लाइक कर दें, वो ऐसा कुछ दिखा दें कि वो अभी भी आपके पास हैं, आपके आसपास हैं, ठीक है। जैसे वो ये दिखाएंगे आप समझ जाइएगा कि वो अपनी एनर्जी सब आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं या आ रही हैं। वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, या फॉरगिवनेस का कार्ड है। देखो पास्ट में जो भी उन्होंने किया आपके साथ, आपके रिलेशनशिप में नेगेटिव कर दिया, आपको कुछ बोल दिया, रूड हो गए, मिसबिहेव किया, सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया, वो सब चीज़ें हैं ना। लेकिन अब आकर फॉरगिव, आपको माफ़ करना पड़ेगा उनको, ठीक है। आप माफ़ कीजिए उनको, पॉजिटिव रहिए रिलेशनशिप को लेकर, है ना। नहीं तो आप कितना भी मन में गुस्सा कर रख लो, कितना भी गुस्सा रख लो, डांट लो सामने वाले को, कुछ भी कर लो, वो तो माफ़ी मांगने आ रहा है अपनी गलती के लिए। फिर सेम चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि आपको भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी अगर आपने उसे हर्ट कर दिया तो। देखिए मानते हैं कि वो पर्सन आपके साथ रूड हो गया, थर्ड पार्टी में डाल दिया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कर दिया, बहुत सारे लोगों को आपको जवाब देना पड़ा, आप मैरिड हैं तो फैमिली को जवाब देना पड़ा। लेकिन जब ये पर्सन आ रहा है वापस, और आप भी चाहते हैं कि ये पर्सन आ रहा है तो भाई अब रिलेशन वापस से शुरू हो जाए, तो कुछ ना कुछ तो आपको थोड़ा मन को शांत करना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा, ओके। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये पर्सन ना थोड़ा इस तरीके का हो सकता है, ये फीमेल भी हैं तो थोड़ा मैस्कुलिन एनर्जी में हो इनका। अब ये बहुत अग्रेसिव हो, अपनी बात रखना, अपनी बात ना, लियो या वर्गो, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, कुछ इस तरीके की एनर्जीज हैं। मैं साइन नहीं बताती क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है, बट हाँ मुझे ये एनर्जीज थोड़ी हाई लग रही हैं। ये पर्सन ना, आप दोनों के कल्चर भी डिफरेंस कुछ अलग हो सकता है, कल्चर अलग हो सकते हैं आप दोनों के, थोड़े हो सकता है स्टेट एंड सिटी भी अलग हो, यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है सभी के लिए ये बात ना हो, लेकिन कुछ के लिए ये बात हो सकती है। एनिमल लवर हो सकते हैं आपके पार्टनर, हो सकता है किसी एनजीओ वगैरह में भी काम करते हों, ठीक है। और लेकिन अब ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है, धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करेंगे, अपना गुस्सा उनका शांत होगा, माफ़ी मांगेंगे आपसे आकर। योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, जिम वगैरह कर सकते हैं, या शौक हो सकता है उनका आपके लिए। मैं सोचा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपको आपके पार्टनर ना सेल्फ लव करते हुए देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब वो आपके पास आए तो आप एकदम फिट एंड फाइन, एकदम खुश, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं, इनर पीस। उनको आपके पास आकर ना बहुत सुकून मिलता है, बहुत बहुत शांति मिलती है, जिस वजह से वो आपके पास आकर इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। गाइस ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, ठीक है। वो आपको सेल्फ लव में देखना चाहते हैं, वो आपके पास आकर वापस अपनी ज़िंदगी, अपना रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। एक ना बच्चों की तरह से वो आपके साथ आकर शायद माफ़ी मांगेंगे, आपके सामने थोड़ा सा जितना रूड हुए थे उतना ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा झुकने की आपकी तरफ कोशिश करेंगे कि आप उन्हें माफ़ कर दें, तो आप भी उनकी बात पर ट्रस्ट कर सकते हैं और उन्हें माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है, कमिटमेंट है, यिंग एंड यांग है भाई। आज की रीडिंग जिन लोगों के लिए है ना, कल्चर थोड़े अलग हो सकते हैं, क्योंकि सोलमेट और ट्विन फ्लेम में ये चीज़ होती है कि कुछ ना कुछ चीज़ें अलग होती हैं उनकी दोनों की, ठीक है। हमेशा नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है उन दोनों में। तो आप में से किसी को अगर लगता है कि आप अपने पार्टनर के ट्विन फ्लेम में सोल में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, या इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ना है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि किस इजीली कैसे इस जर्नी को आपको रहना है, या किस तरीके से डील करना है, री यूनियन में क्यों ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ओके। तो ये थी हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, सबके फेस पे स्माइल आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।